पहचान पत्र। दोस्तों, परिवार पहचान पत्र बनने के बाद बहुत से लोगों की फैमिली आईडी में गलती हो गई थी, किसी की कोई गलती थी, किसी गलती। तो अब परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर गलती ठीक करने का एक नया लिंक आ गया है। उस लिंक में आप क्या-क्या गलती ठीक कर पाएंगे, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल संजय टेक अपडेट्स। तो शुरू करते हैं दोस्तों यह वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने परिवार पहचान पत्र पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर यहाँ पर होम अप्लाई फॉर पीपी, अप्लाई फॉर सर्विस, मर्ज फैमिली रिपोर्ट, और यहाँ पर देखिए कोरेक्शन मॉड्यूल, ये नया ऑप्शन यहाँ पर जुड़ गया है, यानी कि नया लिंक आ गया है कोरेक्शन मॉड्यूल का। तो कोरेक्शन करने के लिए यहाँ पर हमको क्लिक करना पड़ेगा कोरेक्शन मॉड्यूल पर। यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरह से हमारे सामने ये पेज खुलेगा, फैमिली सर्च बाई फैमिली आईडी। तो यहाँ पर फैमिली आईडी नंबर डालना है जिससे जिसमें आपने कोरेक्शन करनी है। तो यहाँ पर मैं फैमिली आईडी नंबर डाल देता हूँ जिसमें हमें कोरेक्शन करनी है। ये मैंने फैमिली आईडी नंबर डाल दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। नोट, देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है नोट, इफ़ यू हैड सबमिट योर फाइनल डॉक्यूमेंट एट पीपीपी ओनली देन यू कैन चेंज हेयर। यानी कि जिन्होंने फाइनल सबमिट कर दिया है डॉक्यूमेंट पे साइन करके, वही लोग यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। बाकी के जो चेंज हो रहे हैं वो तो पहले ही चेंज कर सकते हैं। जिनका चेंजिंग नहीं हो रहा है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जिन्होंने साइन करके अपलोड कर दिया डॉक्यूमेंट। तो मैं फैमिली आईडी नंबर मैंने डाल दिया है और गेट फैमिली पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, गेट फैमिली पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस फैमिली आईडी में जितने मेंबर होंगे उनकी डिटेल सारी आपके सामने शो हो जाएगी। यहाँ पर रिलेशन लिखा है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, सुपोज नेम और एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है। थोड़ा अगर हम इधर करेंगे तो इसको आप डिटेल एक बार चेक कर सकते हैं कि आपकी डिटेल सही है कि नहीं है। और लास्ट में एज लिखी होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम इसको थोड़ा नीचे करेंगे तो यहाँ पर फैमिली आईडी नंबर लिखा है और मेंबर नेम, यानी कि आपने जिस मेंबर की डिटेल को ठीक करना है, जिसमें गलती है वो आप क्लिक कर लेंगे, उस मेंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि किसी भी कि मेंबर में जिसमें गलती रह गई है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो मैं सेलेक्ट लेता हूँ एक मेंबर को। और उसके बाद आता है फील्ड्स, यानी कि आपको कौन कौन से में आप इसको ठीक कर सकते हैं, यानी कि किस किस चीज़ को आप ठीक कर सकते हैं। मेन चीज़ यही देखने वाली है दोस्तों, यहाँ पर आप किस चीज़ को ठीक कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ठीक करने का ऑप्शन क्या दिया गया है, फादर फर्स्ट नेम, यानी कि फादर का पहला नाम, फादर का लास्ट नेम, मदर फर्स्ट नेम और मदर लास्ट नेम, ये अगर इसमें गलती है तो आप इसको ठीक कर पाएंगे। नेम, नेम का ऑप्शन पहले ही था दोस्तों, अब यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिया, वो वहाँ से ऑप्शन हटा दिया है। नेम का ऑप्शन पहले दिया हुआ था ठीक करने का, अब यहाँ आ गया है वापस, इसमें जोड़ दिया इन्होंने। नेम भी आप ठीक कर सकते हैं, अगर आधार कार्ड आपने दोबारा से अपडेट करवाया है तो आप नेम यहाँ पर ठीक कर पाएंगे। उसके बाद ये मेल और फीमेल, अगर आपके मेल और फीमेल में गलती हो गई है तो आप अब इसको ठीक कर पाएंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी गलती थी, जल्दी जल्दी में हो सकता है मेल फीमेल हो गया हो। मेरे पास भी ऐसे केस आए थे जिसमें मेल की जगह फीमेल हुआ था, तो अब वो आप ठीक कर पाएंगे। और एक आता है नीचे, मोबाइल नंबर आप ठीक कर पाएंगे। मोबाइल नंबर का ऑप्शन पहले भी था लेकिन अब इसमें यहाँ पर जोड़ दिया गया है, यानी कि नए देखा जाए तो यहाँ पर है तीन ही ऑप्शन नए जुड़े हैं, फादर फर्स्ट नेम, फादर का नाम और मदर का नाम और मेल और फीमेल, अभी कहें तो ये ही ऑप्शन यहाँ पर जुड़े हैं। बाकी मोबाइल नंबर और नेम का ऑप्शन पहले ही था, अब सिर्फ यही ऑप्शन आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखने वाली बात है कि इसको ठीक कैसे करेंगे। यानी कि जो मान लो फादर नेम में गलती है, तो मैं जैसे फादर फर्स्ट नेम पर क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यानी कि इन्होंने मान लें मैंने फादर फर्स्ट नेम पर क्लिक किया तो फादर फर्स्ट नेम यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर इंग्लिश में और यहाँ पर हिंदी में आ जाता है। इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वो स्पेलिंग डाल देनी है जो आपने ठीक करनी है। ठीक है, तो मेरे को ठीक नहीं करनी, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मान लो यहाँ पर मैं इनका नाम डाल देता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे ये ठीक नहीं होगा, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर मैं मान लो वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपने फैमिली आईडी में दिया है वहाँ पर ओटीपी जाएगा उस मोबाइल पर, तो ही आप उसको ठीक कर पाएंगे। जो मोबाइल नंबर इसमें ऐड है उसी पर ठीक कर पाएंगे। और अगर आपका मोबाइल नंबर अगर फैमिली आईडी में गलत है तो दोस्तों फिर वही परेशानी वाली बात है इसमें।
ठीक है, तो आपका मोबाइल नंबर सही होना चाहिए अगर आपने ये कुरेक्शन करनी है तो, क्योंकि मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, फिर यहाँ पर ओटीपी भरेंगे तो वेरीफाई हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कहने वाली बात है मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है इसमें सही। ठीक है, मान लीजिए हमने मोबाइल नंबर ही अगर यहाँ पर सही करना है, यानी कि हमारा मोबाइल नंबर गलत है मान लो, और मोबाइल नंबर को ठीक करेंगे तो भी यहाँ पर परेशानी वाली बात तो है ही दोस्तों। देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर अगर मान ले हमारा गलत लिखा गया है, किसी और का लिखा गया है या गलती से भरा गया है, तो उसका तो कुछ सोल्यूशन ही नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि ओटीपी जाएगा। देखिए मैं भी यहाँ पर क्लिक करता हूँ, पहले वाले जो गलत नंबर मान ले भर दिया है किसी ने, उसी पर ओटीपी जाएगा, तो मोबाइल नंबर कैसे ठीक कर पाएंगे। तो ये भी इसमें परेशानी वाली बात ही और हो गई है, यानी मोबाइल नंबर अगर आप चेंज कर, ठीक दूसरा मोबाइल नंबर ही चेंज कर पाएंगे, अगर बिल्कुल गलत भर दिया है वो आप ठीक नहीं कर पाएंगे। अगर दूसरा नंबर दे दिया है, घर में चल रहा है दूसरे दूसरे बंदे का, और आपने अपना करवाना है, तो वो ऑप्शन सही है, यानी कि आप उस पर ओटीपी लेके चेंज कर लेंगे, लेकिन मोबाइल नंबर ही बिल्कुल ही गलत है तो आप उसको चेंज कैसे कर पाएंगे, वो इसमें अभी उसका कोई सलूशन नहीं दिया है। तो इसकी भी आपको एक यहाँ पर भी कुरेक्शन का ऑप्शन आना चाहिए कि जिसका मोबाइल नंबर बिल्कुल गलत हो गया है वहाँ पर, उसको कैसे ठीक करें। तो गवर्नमेंट को कुछ और इसमें ऑप्शन डालने चाहिए ताकि वो वेरीफाई कर लें कि हाँ फैमिली आईडी में गलत नंबर हो गया, यानी कि कुछ और डिटेल पूछ लें यहाँ पर वेरीफिकेशन के लिए, और नया मोबाइल नंबर डालना का ऑप्शन भी आ जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे केस होंगे जिनका मोबाइल नंबर बंद हो गया होगा या गलती से मोबाइल नंबर गलत डल गया होगा। मोबाइल नंबर बंद हो गया ही बहुत केस मिलेंगे, उसको ठीक करने का कोई सलूशन नहीं है अभी, क्योंकि अगर हम मोबाइल नंबर चेंज करेंगे तो ओटीपी जाएगा, और ओटीपी तभी जा पाएगा, मिल पाएगा जब मोबाइल नंबर चलेगा, मोबाइल नंबर तो चल ही नहीं रहा, तो ये एक परेशानी वाली बात है। तो इसमें कोई खास अभी ऑप्शन नहीं जुड़ा है एक किस्म का, यानी कि फादर नेम, मदर नेम, फर्स्ट नेम और उसका लास्ट नेम, और मोबाइल नंबर पहले ही सही था, उसमें कोई नई चेंजिंग नहीं हुई है, और मोबाइल और नाम की नाम का एक था, नाम में भी सेम पहले ही ऑप्शन ही था इसमें। हाँ, मेल फीमेल का एक नया ऑप्शन जुड़ा है, वो आप इसमें ठीक कर सकते हैं। तो यही आप लोगों से शेयर करना था कि ये चीज़ें इसमें नई आई हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।